नजर रखने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके के हालात वहां पर बनते हैं, और इसी के साथ साथ इस बात पर भी नजर रखी जा रही है कि आने वाले जो 48 घंटे हैं वो कितने भारी पड़ने वाले हैं और उससे कैसे निपटना है, इसकी तैयारी अब बीएमसी की तरफ से हो रही है। वहीं मुंबई में भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, सड़क पर पानी में गाड़ियां डूबती दिखी, कई जगह ट्रैफिक जाम भी लग गया। तो तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से कई ट्रेनों को रोका गया है, लोकल पर भी इसका असर पड़ा है। वहीं पानी में देखिए गाड़ियां जो हैं वो आधी से ज्यादा डूबी दिख रही हैं और ट्रैफिक जाम की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। वहीं मुंबई के माटुंगा इलाके में भी भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। मुंबई के माटुंगा इलाके में है और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, यहाँ पे छोटी सी नदी जैसी बह रही है, ये नदी नहीं है पर बारिश का पानी इस इलाके में जमा हो गया है, इस वजह से ये स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ पे बहुत सारा गाड़ियों का मूवमेंट है जो इस पानी की वजह से बहुत तकलीफ आ रही है गाड़ियों को, बहुत सारी गाड़ियां वहाँ पे बंद भी पड़ गई है आप देख पा रहे हैं, और इस तरह की स्थिति मुंबई में बन गई है। कल रात से भारी वर्षा हो रही है मुंबई में और आज सुबह तक बहुत सारे इलाके मुंबई में के इसी तरह से पानी से ग्रस्त हो गए हैं। शुरुआत है अभी बारिश की, मानसून सीजन की शुरुआत है और मुंबई का पहले दिन पे ये हाल देखने को मिल रहा है और ये स्थिति मुंबई के कई इलाकों में आपको देखने मिल जाएगी जहां पे पानी भरा हुआ है, लोगों की दिक्कतें बढ़ रही है और इस तरह से मुंबई की मानसून की शुरुआत हुई है और इससे क्लियरली जो मुंबई कर है उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। आशीष, आप जिस जगह पर हैं जरा पहले जरा तस्वीर दिखा दीजिए, जो पानी का स्तर है क्योंकि हम सुबह देख रहे थे कि वो घुटनों तक, घुटने से ऊपर तक इनफैक्ट पहुंच चुका था, अभी फिलहाल स्थिति क्या है? फिलहाल भी स्थिति जो है वो अब पहले से काफी गंभीर था, अब जो है स्तर वो कमर के ऊपर का है। मैं आगे के हिस्से में नहीं जा रहा हूँ, इसी वजह से आपको दूर से सिर्फ केवल दिखा रहा हूँ कि जो लोग पार कर रहे हैं आप उनको देखिए वो किस तरह से फंसे हुए हैं, किस तरह से जो है स्थितियां आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ जाएंगी। दूसरी तरफ ये बाइकर है, आप उसको आप देखें कि अपनी पूरी बाइक के साथ डूबा हुआ है, ये हाल बना हुआ है। एक साइकिल वाला आपको दिखाई पड़ जाएगा, उसकी पूरी साइकिल डूबी है, कमर के ऊपर तक का जो पानी का स्तर है वो हालात गंभीर है वो साफ तौर पर बताता है। और सबसे अहम चीज ये देखिए, ये तस्वीर शायद आपको कचोट कर रख दे कि बरसात में ये बच्चा जो है वो अपने परिवार के, अपनी माँ को लेने के लिए जा रहा है, पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि साफ हो सके कि आखिरकार क्या वजह है, बरसात में किस तरह से वो परेशानियों में जूझा हुआ है। हालात क्या हुआ है भाई, आप कहाँ, आपके भी हाथ में चोट लगी हुई है, गोद में प्लास्टिक सर्जरी हुआ है, कहाँ लेके जा रहे हो? मैं नीचे नहीं चल पाऊंगा, तो कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे घर पे ले जाना एक्चुअली, घर पे कोई गाड़ी ओड़ी नहीं मिल पा रही, गाड़ी आया तो स्टॉप कर देना यहाँ पे, प्लास्टिक सर्जरी भी लोड हाथ पे बैर नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैं माँ को लेकर निकला हुआ ये शख्स बरसात में फंसा हुआ है। अब देखें कि यहाँ तक पहुँचने के बाद अब इसके पास रास्ता नहीं है कि वो अपनी माँ को कहीं लेकर जा पाए, ये स्थिति है, यही समस्या है जो कि दावे किए गए बीएमसी की तरफ से, लेकिन अब ये बताने, ये शब्दों में शायद बयां करना बड़ा मुश्किल है कि अपनी माँ को किसी तरह से इस बरसात में घर पहुंचाने के लिए बेटा स्ट्रगल कर रहा है जबकि खुद वो उसका खुद की एक सर्जरी हुई है। हालात यही है, सड़क के दोनों तरफ पानी, मुसीबतें अलग, परेशानियां अलग, दलील अलग, और जो दावे हैं वो नालों के रूप में, नालों से ऊपर बहते हुए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएंगे। ये जरा तस्वीर आप देखिए, अब धीरे धीरे हमारे रिपोर्टर जिनको आप देख रहे हैं वो थोड़े आगे आ गए हैं क्योंकि जहां पर वो पहले खड़े थे वहां पर पानी का स्तर बहुत ज्यादा हो गया है, कमर के ऊपर इस वक्त पानी पहुंच चुका है और ये जो पानी है इसका स्तर देखिए बढ़ रहा है। आशीष, सुबह से ही लगातार ये बारिश हो रही है या कल रात से ही ये बारिश हो रही है, क्या बीच में बारिश थमी भी?
जी अभी फिलहाल जो है बरसात अर्पिता थमी हुई है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि रुक रुक कर लगातार बरसात जारी है और इस बरसात की वजह से मैं तो काफी आगे के हिस्से में आ चुका हूँ ताकि जो है थोड़ा सुरक्षित जगह पर पहुंच सकूं, लेकिन अभी भी हालत ये है कि यहाँ पर देखें इस तरफ गाड़ियां जो है वो एक कतार लगी हुई है। ये सेंट्रल बाउंड की तरफ जाने वाली ट्रैफिक है जो पिछले 3 से 4 घंटे से यहाँ पर रुकी हुई है। लगातार जो मूसलाधार बरसात जारी है, पानी निकालने के लिए पंप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ड्रेनेज खोले गए हैं, लेकिन 3 से 4 घंटों से केवल पानी जब तक उतरेगा नहीं तब तक ये गाड़ियां जा नहीं सकती हैं। इसी तरह से जिस तरह से ये सेंट्रल बाउंड की ट्रैफिक है, उसी तरह से सेंट्रल बाउंड से आने वाली जो गाड़ियां थी उन्हें लौटा दिया गया है, उन्हें वापस कर दिया गया है कि आगे का रास्ता नहीं बन सकता। हालत ये है कि जो खासतौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे जो बसें इस्तेमाल की जाती थी वो बसें भी अब इसमें फंसी हुई हैं, किंग सर्कल के हिस्से में, आगे के हिस्से में अगर आप देखें फंसी हुई हैं। इसी तरह से ट्रेनों का भी हाल है, एसेंशियल सर्विस के लिए शुरू की गई थी लेकिन वो ट्रेनें भी बंद है। ये देखें आगे आपको दिखाई पड़ जाएगा, केवल कुछ हिस्सा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल उसके पूरे टायर्स डूबे हुए हैं। आगे ट्रक खड़ा है वो भी इसी तरह से ठप पड़ा हुआ है। और ये है किंग सर्कल स्टेशन का जो की सीढ़ियां, यानी अगर सीढ़ियों से उतर के लोग जाना भी चाहें तो स्टेशन से नीचे उतरना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पानी का स्तर जो है वो कमर तक है। पंप लगाए गए हैं लेकिन दावे केवल जो है वो कागजी हैं, कचरे के रूप में जिस तरह से सड़कों जिस तरह से पानी उभर कर आया वो साफ तौर पर बयां कर देता है कि जो दावे किए गए थे उनकी असल हकीकत क्या है। ठीक है आप रही जरा साथ, तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं।